आगरा के सर्वाधिक लोकप्रिय चैनल सी न्यूज के ऐप को आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें, सी न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। सूर्यसदन प्रेक्षागृह में सोमवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत महिला संवाद अधिवेशन आयोजित किया गया। इस महिला संवाद में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महिलाओं से खुलकर संवाद किया। सूर्यसदन प्रेक्षागृह में सोमवार को कांग्रेस पार्टी की तरफ से लड़की हूँ लड़ सकती हूँ के तहत महिला संवाद अधिवेशन आयोजित किया गया। इस महिला संवाद अधिवेशन में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष नेटा डिसूजा और राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने महिलाओं से खुलकर संवाद किया। इस दौरान नेटा डिसूजा ने कहा कि उत्तर प्रदेश में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी की महासचिव प्रियंका गांधी के दिशा निर्देश में दमखम से चुनाव लड़ने जा रही है। इस बार चुनाव में 40% सीटों पर महिलाएं दमखम से मैदान में उतरेंगी। महिलाओं ने पूरी अच्छी तरीके से ठान ली है कि महिलाएं कांग्रेस पार्टी को प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में, प्रियंका गांधी जी के ये सोच कि मैं लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, सारे महिलाएं बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहे हैं उनकी ये अभियान। देखिए, कांग्रेस कभी सत्ता पे काबू नहीं करती, लोगों के दिल पे काबू करती है। कांग्रेस पार्टी कभी भी कोई गलत वादे या कोई गलत बुनियाद पे सत्ता नहीं बनाती है। कांग्रेस हमेशा सच्चाई के बल पे अपनी सत्ता बनाती है और इस बार भी कांग्रेस सच्चाई के बल पे लोगों के सामने सच्चाई जो हम वादे करेंगे वो हम वादे निभाएंगे। नेटा डिसूजा ने प्रेस मीडिया से कहा कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पूर्ण बहुमत से सरकार बनाने जा रही है। कांग्रेस के शासन में महिलाएं दिन और रात दोनों में ही सुरक्षित होंगी। वहीं कांग्रेस के राज में हर पीड़ित और शोषित को न्याय मिलेगा। कहा कि कोई तैयार नहीं है या हम नहीं चाहते हैं या हम क्या चाहते हैं। देखिए, मैं अपने पत्रकार भाइयों से जरूर एक निवेदन करूंगी, क्योंकि कई चीज जो होते हैं जो आप लोग बोलते हैं वो ग्राउंड रियलिटी नहीं होता है। ओके, और ऐसे चीजों को जब आप लोगों के सामने पेश करते हो तो वो कहावत है ना कि आप झूठ को 10 बार दोहराए और झूठ सच दिखती है, और आप सच के लिए मुंह बंद रखे तो वो सच्चाई भी छुप जाती है। कहीं ना कहीं आप पत्रकार भाइयों का भी और बहनों का भी एक बहुत बड़ा रोल रहेगा। महिला संवाद कार्यक्रम में शामिल शहर कांग्रेस उपाध्यक्ष देवेन चिल्लू ने कहा कि ताजनगरी में पार्टी का ये कार्यक्रम काफी सफल रहा है। इसी तरह हमारी नेता प्रियंका गांधी के नेतृत्व में लखनऊ में महिलाओं के एक मैराथन का आयोजन होने जा रहा है। आज जो प्रियंका जी ने जो नारा दिया है कि लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, प्रियंका जी ने इस प्रदेश की तस्वीर को बदलने का काम किया है। उन्होंने इस प्रदेश की नारियों को 40% चुनाव में टिकट देने का जो वायदा किया है वो चुनावों तक ही सीमित नहीं, सरकारी नौकरियों में भी 40% नौकरी देने का वायदा है। जहाँ जहाँ उनकी भागीदारी है 40% उनको भागीदारी देने का वायदा किया। प्रियंका गांधी जी ने ये नारा दिया है, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, हम लोग इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर आए हैं। उन्होंने राजनीति में 40% जो महिलाओं के लिए हिस्सेदारी दी है और उन्होंने जो अपनी आवाज़ दी है हम महिलाओं के लिए, हम इसी आवाज़ को बुलंद करने के लिए यहाँ पर आए हैं। और हमारा मकसद यही है कि हम ये इस नारे को सफल बनाएं, लड़की हूँ लड़ सकती हूँ और जीत का जज्बा रख सकती हूँ। महिला संवाद लड़की हूँ लड़ सकती हूँ कार्यक्रम में पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता अलका लांबा ने जनपद भर से आई महिलाओं से सीधा संवाद किया। कार्यक्रम में कांग्रेस नेत्री एवं फिल्म अभिनेत्री काम्या पंजाबी की उपस्थिति भी विशेष रही। अजय बहादुर, सी न्यूज आगरा।